फैमिली एंजल की रसोई में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होगा। आज बनाते हैं कैप्सिकम, जो के बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। आज इस तरीके से बनाएंगे कि बच्चे दो रोटी के जगह तीन रोटियां जरूर खाएंगे। तो देर किस बात की, चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज बनाते हैं सिंपल सी वेजिटेबल, जो के है शिमला मिर्च, और बच्चों को बिल्कुल भी ना पसंद है। जैसे तरीका आज हम बना रहे हैं उस तरीके से आप बनाओगे तो ज़रूर बच्चे दो रोटी की जगह तीन रोटी खा लेंगे और बहुत ही यूनिक और टेस्टी बनती है। तो चलिए, मैं शिमला मिर्ची को वॉश कर दिया है और स्लाइस में कट कर रही हूँ। तो दोस्तों, मैं सीज़र से कट करूँगी क्योंकि मुझे जल्दी ही बनाने हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। तो देखिए, मैं सीज़र से कट करके, और ये सब्ज़ी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, तुरंत बन जाती है। तो देखिए, ऐसे सीज़र से कट करेंगे हम, लंबे लंबे साइज़ से। शेप आप जैसे चाहे वैसे काट सकते हैं, आप पतली पतली साइज़ में भी बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो शेप वीडियो में दिखाया जा रहा है वही शेप हम कटिंग करें। बहुत ही लाजवाब बनती है ये शिमला मिर्च की सब्ज़ी। दो तीन दिनों से सोच रही थी, शिमला मिर्च भरपूर मात्रा में लेके आई थी और थोड़ा मुंह का स्वाद भी थोड़ा हल्का हल्का फीका था, तो मैंने सोचा आज चटपटी सब्ज़ी खाएंगे हम। तो चलिए, चॉपिंग तो हो गई, अब लेना है मिक्सी जार और उसमें डालेंगे हम एक टमाटर। हाँ जी हाँ, एक टमाटर, और 5 से 7 कलियाँ लहसुन की ली है मैंने, एक हरी मिर्ची, क्योंकि शिमला मिर्च खुद एक मिर्ची है तो हम इसमें स्पाइस थोड़ा कम लाएंगे। तो देखिए, मैंने जार में डाल दिए। अब इसमें डालेंगे हम थोड़े से ड्राई मसाले, जो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ले लिए है हल्दी और मिर्ची और नमक स्वाद अनुसार लिया है। तो देखिए, ये लाल मिर्च मेरी बहुत तीखी वाली है, इसीलिए मैं कम ले रही हूँ। और ये धनिया पाउडर, हल्दी लेंगे थोड़ी सी। तो देखिए, आप मसाले ज़्यादा यूज़ करना चाहे तो आप ज़्यादा भी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, नमक डाल दिया। अब इसमें ना वाटर कुछ नहीं, बस ऐसे प्यूरी बना लेनी है। तो चलिए, समय बिना वेस्ट किए हम बना लेते हैं झटपट शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो ऑयल ले लिया है मैंने 2 से 3 स्पून, और ये इसमें डालेंगे हम जीरा। कड़ी पत्ता हो तो आप डालिए, मेरे पास अवेलेबल नहीं है इसीलिए मैं कड़ी पत्ता स्किप कर रही हूँ। तो अब डाल देंगे हम चॉप की हुई शिमला मिर्च और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम शिमला मिर्च को 2-3 मिनट ऐसे ही रहने देंगे, कोई ढक्कन नहीं लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे नए हो तो आपसे एक निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए कि जैसे मैं कोई भी रेसिपी अपडेट करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। तो चलिए, अब शिमला मिर्च हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें डाल देते हैं हम टमाटर की प्यूरी। मैं इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाल रही हूँ, बस इसको अच्छे से मिक्स करना है कि जैसे मसाले पूरे कवर हो जाए शिमला मिर्च के साथ। तो देखिए, अभी बस यहाँ मसाले ख़त्म नहीं होते हैं, आगे जो मैं डालने वाली हूँ आप ज़रूर देखिए। ये बहुत ही चटपटी सी वेजिटेबल बनने वाली है शिमला मिर्च की। तो देखिए, अब हम इसमें डालेंगे फूडल्स का मसाला। हाँ, जो बच्चे फूडल्स खाते हैं ना, उसमें जो पैकेट्स में आते हैं अवेलेबल, तो ये फूडल्स का मसाला डालेंगे, क्योंकि फूडल्स का मसाला तंदूर मसाले की टेस्ट देता है। और थोड़े से भुने हुए पीनट है, उसको मैंने क्रश कर लिया है। अब मिक्स कर देंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद हम सिर्फ वेजिटेबल को 4 से 5 मिनट तक धीमी आंच पे हम ढक के रख देंगे और शिमला मिर्ची सॉफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए, ऐसे ही कलर कितना प्यारा आया है हमारे वेजिटेबल में। तो देखिए, मैंने ढक्कन लगा दिया, 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कैसे प्यारी सब्ज़ी बन के रेडी हुई है और कितने सॉफ्ट हो गए ये शिमला मिर्च। आप मनचाही रोटी के साथ खा सकते हैं, भाकरी हो, तंदूरी हो या सादी रोटी हो, सबके साथ ये मज़े देने वाली है।
अगर आप इसमें थोड़ा मैंगो पाउडर ऐड करेंगे तो और भी चटपटी बन जाएगी। तो बस क्या, चलिए प्लेटिंग करते हैं। थोड़ा सा हमने धनिया गार्निश कर लिया है, थोड़े से भुने हुए सफ़ेद तिल है वो भी डाल देते हैं, ज़्यादा भुने हुए नहीं है। तो देखिए बस मिक्स करेंगे, प्लेट में निकाल देते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कितनी लाजवाब टेम्पडिंग सब्जी बन के रेडी हो चुकी है। तो आपको रेसिपी पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही मुझे सपोर्ट कीजिए कि जैसे मैं न्यू रेसिपियाँ लाती रहूँ और आपके लिए अपडेट करती रहूँ। तो लग रही है ना एकदम टेम्पडिंग, कलर देखिए कितना प्यारा आया है, ऐसे लग रहा है जैसे रेस्टोरेंट से हमने सब्जी ऑर्डर की है। तो आप भी बनाइए, मुझे ज़रूर बताइए कैसे लगी ये शिमला मिर्च की रेसिपी आपको। जब आप टिफ़िन बनाते हो तो उसमें दाल के साथ भी ये सब्ज़ी डाल सकते हो और बहुत ही इंजॉय करके खाएंगे। तो ये पिज़्ज़ा बेस पे भी लगा सकते हो आप, इसकी सैंडविच भी बन सकती है। बच्चों को एक बार ज़रूर टेस्ट कराइए, दीवाने हो जाएंगे यकीन मानिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह न्यू रेसिपी के साथ न्यू दिन पे। तब तक के लिए अपना और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।